हेलो फ्रेंड्स, जो आज का ये वीडियो है ये किसी भी सुपर कार से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक 8 साल की बच्ची आसिफा को जस्टिस दिलाने के लिए है। ये वीडियो कुछ अलग है और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे या एटलीस्ट गौर करेंगे। हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स वो हैं जो जड़ से मिटाई जा सकती हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा कोई, क्योंकि ना हमें कोई परवाह है और ना हम आगे बोल रहे हैं और ना हमारी कोई सुन रहा है। 8 साल की बच्ची का रेप कर दिया, उसको मार दिया, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है और ना उनके साथ ऐसे लोगों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव होना चाहिए। हमारे पास YouTube है, Facebook है, Snapchat है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और इन चीज़ों पे बात करने के लिए हम 365 दिन बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे इश्यूज़ आते हैं कंट्री के तो यूथ के पास पावर है वो फॉर्मली इन चीज़ों के बारे में बात करे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमारे पास आवाज़ है लेकिन हम गूंगे बैठे हैं, और जिसका फ़ायदा उठा रही है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। उनको लग रहा है ये लोग क्या बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, बट व्हाट आई जेन्युइनली फील कि पहुंचा नहीं रहे अपनी बात को किसी और तक, ओपिनियन नहीं है। सो दिस इज़ आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि प्लीज़ ओपिनियन रखो, आप क्लूलेस मत रहो कि नहीं पता। पता नहीं सबसे डेंजरस चीज़ है, या तो हाँ या तो ना, ओपिनियन रखो। अगर आपको लग रहा है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर आपको लगता है या आपको पता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ बोलो, चुप मत रहो। वहाँ 4 लोग बोलेंगे तो उनकी बात कोई नहीं समझेगा, सब उनको हल्के में लेंगे, लेकिन 1000 बंदे एक साथ चिल्लाएंगे, चिल्ला के बात करेंगे तो बहुत बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू यूज़ योर सोशल मीडिया टू योर मैक्सिमम एक्सटेंट। आप इस बारे में बात करो, आप कुछ चीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो अगर आप एक साथ चिल्लाओ, वरना आपकी कोई नहीं सुनेगा। 2 दिन बात होगी फिर भूल जाएंगे सब, ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया कौन यूज़ करता है, मैं, आप, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पूरा यूथ यूज़ करता है सोशल मीडिया। उसे तो अगर पूरा यूथ बात करे तो छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाएगा, और इन चीज़ों का पतंगड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हैव एन ओपिनियन एंड प्लीज़ स्टैंड बाय इट। एंड आई जेन्युइनली प्रे कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं मासूम बच्चों के साथ, उनके साथ ह्यूमनली बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमंस। सो गाइज, दैट्स ऑल आई विश टू से। और गाइज, अगर आप आसिफा के लिए जस्टिस चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाइए। और